नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रिया अधिकारी। स्वागत है आपका हमारे खास शो न्यूज रूम लाइव में, जिसमें हम बात करते हैं 11 राज्यों की 11 बड़ी खबरों की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है कि लोकसभा में ट्रिपल तलाक पर इस समय चर्चा जो है वो जारी है। आज का जो सत्र है वो सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ट्रिपल तलाक बिल पर जो है अभी इस समय चर्चा जारी है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलकित। पुलकित, बताइए क्या चर्चा हो रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए कानून मंत्री रविशंकर ने आज यहाँ पे मोदी सरकार 2 की बात करें तो उसमें जिस तरह से आज लोकसभा में यहाँ पे उन्होंने पेश किया ट्रिपल तलाक का बिल, और ऐसे में वहाँ पे काफी हंगामा भी हुआ और तमाम सांसदों ने अपनी राय रखी और साथ ही तमाम सवाल भी खड़े किए। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले 2 बार लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में बिल अटका था। अगर आज की बात करें यहाँ पे जिस तरह से जब उन्होंने संसद में इस बिल को पेश किया तो लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने ये ट्रिपल तलाक का विधेयक रखा तो चर्चा के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के नेता हैं एनके प्रेमचंद्र, उन्होंने कहा इस मामले पर कि आप हिंदू और ईसाई समुदाय में तलाक के लिए कारावास क्यों नहीं बढ़ा रहे। ऐसे में उन्होंने सवाल खड़ा किया रविशंकर प्रसाद के समक्ष, और उन्होंने इसके साथ एक बात और कि मुस्लिम समुदाय में अकेले क्यों उस तरह का मामला सामने आ रहा है और ये मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ एक भेदभाव है। तो उसके बाद यहाँ पे रविशंकर प्रसाद ने, कानून मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे जवाब दिया संसद में और उन्होंने कहा कि 3 जो ट्रिपल तलाक है उसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक 2019 मतलब इसी साल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद 24 जुलाई 2019 दोपहर 2 बजे तक ट्रिपल तलाक के 345 मामले प्रकाश में आए थे, और ऐसे में इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, सरकार इस पर पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनों की जो हालात इस वक्त है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मैं उसको एक बार पढ़ना चाहूंगा कि क्या मुस्लिम बहनों की ऐसी हालत में अकेला उनसे छोड़ देना चाहिए। उसी के साथ उन्होंने कहा कि दुनिया के 20 इस्लामिक देशों ने, जो 20 इस्लामिक देश उनमें से यहाँ पे 20 इस्लामिक देशों ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है तो भारत में ऐसा क्यों ना किया जाए। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया यहाँ पे पार्लियामेंट में, और सुप्रीम कोर्ट इसे जिस तरह से गलत बता चुका है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है और ये एक बहुत बड़ा पाप है, तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को दोहराया। और इसके बाद आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि जब लोकसभा में जब चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी, तो ऐसे में संसद के बाहर वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने भी जो हसन है उनका नाम, ST हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद खड़ा होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दिया मीडिया से बात करते हुए कि बीवी को गोली मारने से अच्छा है कि उसे तलाक दे दें। तो ऐसे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसके बाद लाजमी है कि कहीं ना कहीं जो सियासी गलियारा है उसमें एक समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर तमाम सवाल खड़े होंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब के निजी मामले में सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए और इस मामले जो इसे सिर्फ एक फिरका माना जाता है, इसी के साथ ही ट्रिपल तलाक को सभी लोग नहीं मानते और एक महीने का गैप रखा जाता है। तो तमाम उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है रविशंकर प्रसाद ने, इसी के साथ आपको बता दी कि एक बात और कही जिससे जो तमाम सांसद है उसमें पूरा हंसी का माहौल हो गया। अगर बात करें पटना की तो शत्रुघ्न सिन्हा उनके सामने उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, पहले शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में ही थे, बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया, और ऐसे में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज उनके जीतने से, पटना साहिब से चुनाव जीतने से एक आवाज वो खामोश हो गई है। तो ये उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया। और जैसे कि ट्रिपल तलाक की बात करें तो क्या कुछ प्रावधान होंगे और क्या किस तरह सजा मिलेगी और क्या कुछ होगा इसमें, आपको हम थोड़ा बताना चाहेंगे। इसके अगर थोड़ी सी अगर बातचीत करें, कब दर्ज होगा 3 तलाक का केस, सबसे पहले आपको बता दें ये अपराध जो होगा इसमें जैसे कि महिला अगर खुद शिकायत करेगी तब होगा, या इसके साथ ही अगर खून या शादी के रिश्ते वाले सदस्य इसके पास भी अगर वो चाहेंगे तो केस उनके पास भी इस केस को दर्ज कराने का अधिकार होगा, लेकिन पड़ोसी या कोई अनजान शख्स इस मामले में केस दर्ज नहीं करा सकेगा। तो ये कब दर्ज होगा हमने आपको ये बताया। इसके साथ अगर समझौते की क्या शर्त उसमें होगी तो आपको बताएं कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और कानून में समझौते के विकल्प को भी रखा गया है, पत्नी की पहल पर ही समझौता हो सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उचित जो तमाम जो पहलू उस टाइम होंगे उन सभी के आधार पर ये समझौता हो सकता है। बेल के लिए क्या कुछ नियम होंगे, कानून के तहत मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकता है लेकिन पत्नी का पक्ष सुनने के बाद,
यहाँ पत्नी का जो स्टेटमेंट होगा पहले उसको सुना जाएगा, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट उसमें जमानत दे सकते हैं पति को। लेकिन यहाँ पे केंद्रीय अगर बात करें तो यहाँ पे गुजारे के लिए क्या कुछ प्रावधान इसमें किया जाएगा, ट्रिपल तलाक पर कानून में छोटे बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ को दिए जाने का प्रावधान है, इसी के साथ पत्नी और बच्चे के पोषण के लिए यहाँ पे जो अधिकार है वो मजिस्ट्रेट तय करेंगे कि पति को देना, जिसे पति को देना हो, तो यहाँ पे भी ये गुजारे को लेकर ये प्रावधान किया गया है। तो इससे पहले आपको बता दें कि दो बार यहाँ पे लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में अटका है बिल, और अब अगर आज बिल पास होता है तो ऐसे में इसके बाद पेश किया जाएगा राज्यसभा में, और लगातार सरकार जिस तरह से जब ये अटकता है बिल, जैसे राज्यसभा में अटका तो उसके बाद यहाँ सरकार ने उसको फिर विधेयक को उसको कैबिनेट की मीटिंग के बाद उसको लागू कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि 2017 की बात करें तो जिस तरह से शायरा बानो का जो केस था उसमें उन्होंने फैसला देते हुए कहा था कि तुरंत जो जो ट्रिपल तलाक है, तीन तलाक है, वो असंवैधानिक है, उसको घोषित कर दिया गया। और इसी के साथ अलग अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने उसमें फैसला सुनाया था और इसमें कहा था कि 6 महीने के अंदर सरकार इसमें कानून बनाए, और यहाँ पे 1.5 साल में 3 तलाक के 430 मामले सामने आए हैं। सरकार ने बताया कि 3 तलाक के आंकड़े सरकार ने अध्यादेश पर जो अध्यादेश सरकार लेकर आए थे उस पर जानकारी के साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्होंने बताया कि एक जो जो ट्रिपल तलाक के जो मामले हैं उन्होंने 2017 से लेके जनवरी 2017 से लेके 13 सितंबर 2018 तक 430 इस तरह के मामले सामने आए थे। इनमें से 229 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले के हैं जबकि 201 जजमेंट के बाद के हैं। ये तब का स्टेटमेंट है जब अध्यादेश सरकार लेकर आए थे, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया था। और 3 तलाक के सबसे ज़्यादा मामले यूपी में आए हैं, और यूपी में अगर बात करें जनवरी 17 से पहले 126 केस आए और फैसले के बाद 120 केस सामने आए। लेकिन जो आज यहाँ पे पार्लियामेंट में उन्होंने जो कहा उसमें बताया कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक ट्रिपल तलाक के 345 मामले प्रकाश में आए हैं। जिस तरीके से मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, इतने ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी जो विपक्ष है वो लगातार इसकी आलोचना कर रहा है कि ये नहीं पास होने दिया जाएगा, और विपक्ष पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ये पास ना हो पाए। इस तरीके से अभी भी बहस जो है वो जारी है, इस चीज पर चर्चा लगातार बनी हुई है। और वहीं मोदी सरकार की बात की जाए तो जब से मोदी सरकार आई है उसने पहले ही, सबसे पहले उनका यही मुद्दा था कि किसी तरीके से ट्रिपल तलाक बिल को जो है वो पास किया जाए। जिस तरीके से लगातार इस पर मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आपने बताया इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो उसके बाद मोदी सरकार की हमेशा से ये पहल रही थी पहले कि इस मामले को सबसे पहले उठाया जाए, और लोग जैसे राज्यसभा की बात करें तो उसमें अटक भी गया था, वहीं अब जो है कोशिश की जा रही है कि सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, और उसमें जब सरकार ने अध्यादेश लेकर आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, तो उन्होंने वहां स्पष्ट किया कि सबसे ज्यादा मामले जो है ट्रिपल तलाक के वो आए हैं उत्तर प्रदेश से, और ये जो जो ट्रिपल तलाक है बहुत जरूरी है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह से उनके साथ जो अन्याय होता है उसको रोकने के लिए, और इस अध्यादेश से फिलहाल अब इसको कानून की शक्ल देने की पूरी कोशिश इस वक्त की जा रही है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इसको लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसको पास किया जाए और उसको कानून का रूप देकर जो उनके साथ महिलाओं के साथ अन्याय होता है उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश सरकार की, ऐसा मोदी सरकार का ये प्राथमिकताओं में से कहीं ना कहीं एक है। और आपको बताएं कि तमाम अगर राज्य की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया, और जिस तरह से लगातार ट्रिपल तलाक के मामले जब सामने आए थे तो जब सरकार अध्यादेश लेकर आए तो सरकार के इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत भी कई जगह किया। जिस तरीके से विधेयक का जो है वो स्वागत हो रहा है और कानून की शक्ल इसे दी जाने की कोशिश की जा रही है, वहीं अब चर्चा के बाद ये पता चलेगा कि ये पास हो पाता है या फिर नहीं। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 11 राज्यों की। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर साबेरी में अवैध निर्माण वाले 30 बिल्डरों पर अब NSA लगेगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। हाँ बिल्कुल, और आपको बता दें जिस तरह से शाबेरी का मामला सामने आया था वहाँ पर एक जिस तरह से बिल्डिंग जो गिरी थी उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, और ऐसे में यहाँ पे शाबेरी में अवैध निर्माण करने वाले 30 बिल्डरों पर अब लगेगा NSA और उनको यहाँ पे जेल भेजा जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है, और इसी के साथ शाबेरी यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो उन सभी को यहाँ पे जो है उन तमाम अधिकारियों से पूछा है, सवाल जवाब किया है कि जवाबदेही इसमें तय की जाए कि किसकी जवाबदेही, और इन मामलों में जिस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है ऐसे में अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी इस वक्त होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जिस तरह से ये जो फैसला लिया है ये एक कड़ा फैसला है, और आपको बता दें कि ऐसे में मुख्यमंत्री ने शाबेरी में अवैध रूप से कॉलोनी जिस
तरह से कॉलोनी वहाँ पे लगातार विकसित हो रही हैं, ऐसे में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर 30 बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के भी आदेश यहाँ दे दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, योगी ने यहाँ पे बिल्डरों को NSA के तहत जेल भेजने का भी इस वक्त यहाँ पे कहा है। और इसी के साथ जो तमाम बात करें प्राधिकरण की बात करें, तीनों प्राधिकरण को लेकर भी अधिकारियों पर भी कहना कि इस वक्त गाज इस वक्त गिर सकती है उनके ऊपर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि 2014 में जब इस पर आदेश आ गया था कि निर्माण नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद भी निर्माण क्यों किया गया? अवैध जो ये निर्माण का पूरा मामला है, ये क्यों आया? इस पर जितने भी जो अधिकारी हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, उनकी सूची एक निकाली गई है और उन्हें जेल भेजने का पूरे की पूरी तैयारी जो है यहाँ पे कर ली गई है। वहीं आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तराखंड की, तो अंतरिक्ष में भारत की एक और बड़ी कामयाबी जो है वहां पर दर्ज हुई है। उत्तराखंड से दो वैज्ञानिक है जिन्होंने नए 28 तारे खोज निकाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखा आपने किस तरह से चंद्रयान 2 के बाद भारत ने एक अंतरिक्ष की बात करें वहाँ पे एक सफलता का झंडा वहाँ पे उसने लहराया। और इसी तरह से इस परचम के बाद नैनीताल के पास देवस्थल में दो वैज्ञानिक सुदूर अंतरिक्ष में उन्होंने नए तारे खोजे, 28 नए तारे उन्होंने खोज निकाले। और ऐसे में दावा है इन वैज्ञानिकों का कि 57,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये जो तारे हैं वहाँ पे उनको खोजा है। और यहाँ पे इसी की जो स्थिति है वहाँ पे ग्लोबुलर क्लस्टर NCG 4147 में 28 नए वेरिएबल सितारों को फिलहाल इस वक्त दो वैज्ञानिक ने खोज निकाला, जो कि एक भारत के लिए देखें तो अंतरिक्ष स्तर पर जिस तरह से चंद्रयान के बाद ये भी एक बहुत बड़ी सफलता इसको देखा जा रहा है। जी, जिस तरीके से अभी चंद्रयान 2 हम लोगों ने लॉन्च किया, उसके बाद भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बनेगा जो चांद की सतह पर कदम रखेगा, और उसके बाद उस सतह पर जो कि साउथ पोल है वहाँ पर भारत जाने वाला पहला देश बन जाएगा। उसके बाद लगातार हम लोग अंतरिक्ष में अपना परचम लहराने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं 28 नए तारे जो है उनकी खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो दिल्ली बम धमाके में 24 साल में जेल में रहने के बाद अब 3 अपराधियों को जो कश्मीरी युवक हैं उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया। 24 साल तक उन्हें जेल के अंदर रखा गया था, अब उन्हें बाहर बरी कर दिया गया है, उन्हें निर्दोष करार किया गया है। बिल्कुल, देखिए साल 1996 में लाजपत नगर में बम धमाकों के मामले में 24 साल से जेल में बंद 3 कश्मीरी नागरिकों को यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्दोष करार दिया और रिहा उनको कर दिया। और ये लोग जयपुर और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे। लतीफ अहमद यहाँ पे शमसावरी को काठमांडू से पकड़ा गया था, इसके बाद दिल्ली पुलिस सेल में रखा गया। लतीफ़ का कहना है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अब वो आज़ाद हैं, जिस तरह से यहाँ पे इतने सालों तक उनको जेल में बंद रखा, 24 साल से जेल में बंद थे और ऐसे में जब यहाँ पे निर्दोष करार दिया तो उनको भी कहीं ना कहीं एक इस वक्त उनके लिए काफ़ी शॉकिंग है। हालांकि उनके लिए अच्छी खबर तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा शॉकिंग है इसी के साथ जयपुर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे तमाम आरोप भी लगे थे कि उन्होंने कहा कि लाजपत नगर में जो बम धमाके हुए उन पर आरोप लगे थे कि वो उसमें शामिल हैं बम धमाकों में। और लतीफ का कहना है कि वो निर्दोष कश्मीरी जयपुर की जेल में बंद हैं और जिनको किसी ना किसी तरह जमानत जो है उनको उस वक्त मिली है। जी, वहीं अगर बात की जाए तो ऐसे ही समलेटी बम धमाके की बात की जाए तो उस पर भी जो फैसला आया था उसमें भी 23 साल तक जेल में रखने के बाद जो है उन आरोपियों जिन पर आरोप लगे हुए थे कि उन्होंने वो उस बम धमाके में वो लोग शामिल थे, लेकिन उसके बाद भी 23 साल जेल में रखा गया। और उसके बाद अब जब बरी किया गया तो उनका भी यही कहना था कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हम बरी हो गए, लेकिन वो हमारे जो 23 साल जेल के अंदर बीते हैं वो हमें कौन लौटाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अब 24 साल की बात है कि 24 साल तक उन्हें जेल में रखा गया और उसके बाद अब वो दोष करार दे दिए गए हैं। बिल्कुल, वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में एक दलित महिला से 6 लोगों ने दुष्कर्म किया है, ये समस्तीपुर का ये पूरा मामला है, और उसके बाद रेप की वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर कि जिस तरह का मामला सामने आता है पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे। और ये जो घटना ये 9 जुलाई की बताई जा रही है, महिला अपनी एक रिश्तेदार के घर जा रही थी, इसी दौरान अजय नाम का एक शख्स कार लेकर आया और उसको बंदी उसने उसको वहाँ पे बना लिया। और ऐसे में हसनपुर थाना की पुलिस ने वहाँ पे गैंगरेप का मामला फिलहाल दर्ज कर लिया जैसे ही मामला सामने आया। और यहाँ पे इस वक्त घटना की सूचना मिलते ही जो गांव में जो उनके जो पति थे वो साथ ही पुलिस से उन्होंने शिकायत की और उसके बाद मामला दर्ज किया पुलिस ने। और महिला ने बताया यहाँ पे जो पीड़िता है उसने बताया कि घटना के बाद सरपंच के आने पर ही आरोपियों ने उन्हें छोड़ा था। तो यहाँ इस वक्त सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से तमाम जो मामले सामने आते सरकार उस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। कड़ा कानून बनाने की बात की जाती है, विधानसभा में हंगामा होता है, संसद में हंगामा होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया गया है वो एक बड़ी बात है। और जिस तरह से यहाँ पे जो वीडियो वायरल किया उसी के आधार पे पुलिस ने वीडियो के आधार पर ही 3 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया है।
जी उस तरीके 6 लोग जो हैं वो कुल मिलाकर हैं, और उसके बाद अब 3 लोगों को जहां गिरफ्तारी हो चुकी है वहीं अभी 3 जो हैं वो आजाद घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। वहीं आगे बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा सरकार ने अपना ही फैसला पलट दिया है। ग्रुप सी और डी के पदों में आउटसोर्सिंग के द्वारा जो भरे जाने थे उस पर उन्होंने अपना ही फैसला पलट दिया है और उसे अनुमति दे दी है। बिल्कुल, हरियाणा के सरकारी विभाग में खाली पड़े थर्ड और फोर्थ कैटेगरी के पद आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत इस वक्त भरे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, उसका जो पहले फैसला था उसने उसको पलट दिया यहाँ पे, और 6 अप्रैल 2015 की आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अनुसार आपको बता दें सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए हरी झंडी इस वक्त दे दी है, और खाली पदों को इस वक्त विवाद जो वहाँ के जो तमाम जो विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो उसको भरेंगे। और सरकार ने ये निर्णय बीते 13 जून के अपने फैसले को यहाँ पे पलटते हुए लिया, और जून में सरकार ने ग्रुप डी की नई भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जबकि ग्रुप सी की बात करें थर्ड कैटेगरी की बात करें तो नई भर्तियों के लिए मुख्य सचिव और वित्त विभाग की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था, और ये इस वक्त सरकार ने यहाँ फैसला इस वक्त बदल लिया। हरियाणा सरकार की बात करें ग्रुप थर्ड और फोर्थ पे आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पे भर्ती की जाएगी, विभाग के जो अध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं वही इसमें इसको भर्ती को कर सकेंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें निजी विश्वविद्यालयों के लिए अब 35 एकड़ की जगह पर 25 एकड़ का जो है वो पूरा प्रावधान रखा गया है, क्योंकि पहले तक ऐसा था कि 35 एकड़ की जमीन को ही जमीन पे ही आप निजी विश्वविद्यालय बना सकेंगे, लेकिन अब इसको घटा दिया गया है और 25 एकड़ की जमीन पर अनुमति देने की बात की गई है। बिल्कुल, पंजाब में अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी स्थापना 25 एकड़ के क्षेत्र में हो सकेगी, और 35 एकड़ जरूरी जो जमीन के फैसले को सरकार ने बदला है पंजाब कैबिनेट ने, और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए पॉलिसी जो थी आपको बता दें पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2010 में संशोधन को सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो ऐसे में जो एजुकेशन का जो स्तर है उस पर पूरी कोशिश की जाएगी कि इसको अच्छे उसको बढ़ाया जाए, ऐसे में सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा का जो सरकार का जो अभियान है उसको कहने की हो सकता है कि इससे फायदा जरूर मिलेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में शौचालय में जहां मिड डे मील बन रहा था उस पर कमलनाथ सरकार की एक मंत्री ने अब बड़ा विवादित बयान दिया, और उन्होंने कहा है कि इस पर क्या परेशानी है कि अगर शौचालय में बच्चों का खाना बन रहा है तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो महिला और विकास मंत्री हैं इमरती देवी, उन्होंने जो बयान दिया है वो विवादित बयान है, और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो उन पर इस वक्त कहीं ना कहीं आड़े हाथों उनको लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जुबानी जंग भी वहाँ पे तेज हो चुकी है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से जो मामला सामने आया था कि मिड डे मील वहाँ पे शौचालय में बनाई जा रही है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, कि सरकार तमाम वादे करती है और तमाम सरकार कहती है कि वो जो बनता है जो मिड डे मील का खाना वो उसको चेक होता है, और ऐसे में वहाँ पे जो बात करें अगर प्रिंसिपल की बात करें वो भी इसको चेक करते हैं, और ऐसे में जो जिम्मेदारी है यहाँ पे लापरवाही कहने के सामने नजर आ रही है, और ऐसे में इमरती देवी का जो बयान आता है उससे लाजमी है कि सरकार की क्या कुछ मंशा और सरकार किस तरह कार्य कर रही है उस पर तमाम कार्यशैली पर भी इस वक्त तमाम सवाल खड़े करता है इमरती देवी का ये बयान। जी, जिस तरीके से बच्चों की सुरक्षा के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है, हो सकता है कि बच्चे स्वास्थ्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां बच्चों का खाना मिड डे मील जो है वो इतनी बार उन्हें कहा जाता है कि ये चेकिंग होती है सारी की सारी, सारे ख्याल रखे जाते हैं कि बच्चों का खाना जो है वो अच्छी तरीके से बनाया जाए, साफ सुथरी जगह पर बनाया जाए, वहीं शौचालय में जहां पे खाना बन रहा है उस पर इस तरीके के विवादित बयान जो आ रहे हैं और उस पर अब लाजमी है कि जुबानी जंग जरूर होगी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में पानी की जगह कुएं में से लगातार बाइकें निकल रही हैं, इतनी बाइकें निकली हैं कि जितनी एक शोरूम में होती हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है जयपुर के भांगकरोटा थाना इलाके का है, और ऐसे में यहाँ पे जो सूचना मिली थी पहले पुलिस को कि कुएं में शव हैं, ऐसे में तमाम बातें सामने, इसके जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पे पुलिस ने शव निकालने के लिए सिविल डिफेंस के आदमी को नीचे उतारा, और वहाँ पे इतनी मोटरसाइकिल मिली कि जैसे कि किसी शोरूम में होती हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में मोटरसाइकिल का होना वो यहाँ पे पुलिस ऐसे बताया जा रहा है कि जो बाइकें हैं चोर चुरा के इस कुएं में डाल देते थे, और ऐसे में ये फिलहाल अभी पुलिस ने तमाम मोटरसाइकिल को वहां निकाली और इसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ पुलिस ने मौके पर पहुंची और तमाम जो सिविल डिफेंस के जो तमाम जो लोग हैं उनको उतारा, और ऐसे में वहां पे उनको बाइक इस वक्त वहां से तमाम बाइक इस वक्त निकाली जा रही है। लेकिन हाँ, वहां पे एक मोटरसाइकिलों का जखीरा वहां देखा गया, जितनी बाइकें शोरूम में होती हैं उससे ज्यादा बाइकें वहां पे उस कुएं में देखी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायकों का हंगामा जो है वो सदन में अभी भी जारी है, और उन्होंने कृषि मंत्री वहां जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कांग्रेस विधायक
विधायक को जोकर कहकर वहां पर पुकारा है। बिल्कुल, झारखंड विधानसभा की बात करें तो वहां पर जय श्री राम के नारे गूंजे और उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो था नोकझोंक काफी देखी गई, तल्खी काफी बढ़ गई। और इसी के बीच आपको बता दें कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होती 11:45 स्थगित कर दी गई और सदन की कार्यवाही शुरू होते झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं उन्होंने स्थानीय नीति को रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा में प्रदर्शन किया, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वेल में आकर नारे लगाने लगे और उसके बाद यहां पे जवाब में भाजपा विधायकों ने भी तमाम नारे लगाए और जो नोकझोंक थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। इसके बाद यहां पे इससे अगर पहले की बात करें, बुधवार की बात करें, तो टकराव की वजह से विधानसभा में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे और यहां पे जय सरना के नारे भी लगाए गए थे। लेकिन बात तब होती है जब यहां पे कृषि मंत्री ने कांग्रेस विधायक को जोकर कह दिया और यहां पे तो उसके बाद जो था विवाद वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ गया, नोकझोंक काफी ज्यादा बढ़ गई और जो जुबानी जंग थी वो काफी तेज हो गई। जिस तरीके से बात की जाए तो पहले बुधवार को भी जो है एक बार स्थगित कर दी गई थी विधानसभा का जो सत्र था वो स्थगित कर दिया गया था, फिर उसके बाद जब दोबारा चालू हुआ उसके बाद भी फिर से वो स्थगित कर दिया गया और जो प्रश्नकाल था वो भी पूरा नहीं हो पाया, तो लगातार जो है वो हंगामे बने हुए हैं। वहीं आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पूर्व गृह मंत्री समेत कई अफसरों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शासनकाल में हुए चिटफंड घोटाला मामले में यहाँ पे अंबिकापुर महासमुंद के बाद रायपुर के न्यू राजेंद्र थाने में दो कंपनियां सनसाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साईं प्रसाद के खिलाफ अलग अलग धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया गया है और इसी के साथ FIR में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा समेत आधा दर्जन IAS और एक IPS के नाम भी इसमें शामिल है। ऐसे में तमाम जो यहाँ पे जो तस्वीर सामने आई है वो उस वक्त बताती है कि कितना बड़ा किसको कहें कि घोटाला धोखाधड़ी का जो यहाँ पे वो एक मामला सामने आता है और ये कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश पर की। साथ ही आपको बता दें कि आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी की रोक के बावजूद भी चिटफंड कंपनियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा प्रशासन की कंपनियों से मिलीभगत रही और ऐसे में पुलिस के मुताबिक महासमुंद जिले के खल्लारी में प्रकरण दर्ज करने के बाद केस डायरी रायपुर के न्यू राजेंद्र पुलिस थाने को इस वक्त भेज दी गई है और जिस तरह से एक गृह मंत्री समेत IAS और IPS अफसरों के खिलाफ इस वक्त कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जी, वहीं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल की, जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूरे देश में भारी बारिश की चेतावनी दी हुई है तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है और 7 जिलों में अभी तक 3 घंटे से जो है लगातार भारी बारिश हो रही है और उसके बाद ही रेड अलर्ट जो है वहां जारी कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर बारिश हो रही है। बात करें यहाँ पे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला, यहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 से 5 घंटे वो काफी ज्यादा वहाँ पे बारिश हो सकती है और ऐसे में जो तमाम जो वहाँ पे अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह से हालात से निपटने के लिए तैयार रहे, मौके पर JCB मशीन्स को तैयार किया जाए, तैनात किया जाए, अगर मलबा गिरता है तो उसको सड़क हाईवे ना रुके। ऐसे में इस वक्त जो क्योंकि वहाँ के जो अगर हालात की बात करें कहीं ना कहीं वहाँ पे बादल इस वक्त काफी ज्यादा छाए हुए हैं और मौसम विभाग कहने की वाले 3 से 5 घंटे बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना इन 7 जिलों में। जी, धन्यवाद पुलकित। तो ये थी 11 राज्यों की 11 बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, डाउनलोड करिए हमारा ऐप NY000Z जिसमें आपको मिलेंगी आपके शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।